मुबारक देना पहली गल तो केजरीवाल सरकार का धन्यवाद करता। जी मैं 3 दिन पहला वीडियो पाई सी कि दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने अकाली दल बादल नू एक धार्मिक पार्टी की वजों रेकगनाइज करके उन्हों दिल्ली गुरद्वारा इलैक्शन कमेटी के इलैक्शन लड़न की इजाजत दी हुई है और उन्होंने हाईकोर्ट के लिख के भी देता। मैं जो ये वीडियो पाई तो तुसी सारिया ने कोशिश की, सारिया की अपनी है तो मैं लगती है कि हो सकता कि उपर सीएम तक केजरीवाल जी ने गल का पता ना हो उतों तक भी गल पहुंची होगी। तो साड़ी सारिया की कोशिश का नतीजा यह है कि हुणे हुणे मेरे को ऑर्डर आया जो दिल्ली सरकार के मंत्री रजिंद्रपाल गौतम ने इशू किया तो उन्होंने उस ऑर्डर के क्लीयरली लिखा कि यह जे ये सिस्टम बंद होना चाहिए, ये सिर्फ धार्मिक पार्टियां ही इलेक्शन लड़ सकदियां तो यह सिस्टम अगे तो फॉलो नहीं किया जाएगा। हुण जिहड़े उन्होंने उस ऑर्डर के साफ लिखा कि जिहड़े हुण आने वाले इलेक्शन अप्रैल दे विच होने आ दिल्ली गुरद्वारा कमेटी के उहदे विच सिर्फ धार्मिक पार्टियां नू ही इलेक्शन लड़न की इजाजत दिती जाएगी, किसी पोलीटिकल पार्टी नहीं दिती जाएगी। और ये पुराना ऑर्डर जिहड़ा उहनू रिवाइज करन दे हुकम देते हैं। कल नू इह केस हाईकोर्ट चल गया, हुण इह ऑर्डर जदों उन्होंने आके हाईकोर्ट दे विच दे देना तो हाईकोर्ट की भी इहदे ते मोहर लग जानी आ, पर जदों इह ऑर्डर हो गया इहदे नाल हुण इह गल क्लीयर आ कि अकाली दल बादल गुरद्वारा दिल्ली गुरद्वारा कमेटी दे इलैक्शन नहीं लड़ सकूगा। जे उह लिख के देणगे कि असीं धार्मिक पार्टी हाँ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो रेकगनाइज हो गए, जे वो कहेंगे सैकुलर पार्टियां तो इलेक्शन लड़ सकता। मतलब कि एड्डा वड्डा धोखा जो हुण तक सुखबीर बादल ते बादल दल करता रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया च कह रहे असीं कि सैकुलर पार्टियां असीं असैंबली ते लोक सभा दे इलेक्शन लड़ सकते हैं तो इधर गुरद्वारा कमेटी दे एज ए रिलीजियस पार्टी रजिस्टर्ड आ। तो हुण जे ऑर्डर जिहड़ा अज होया हुणे हुणे मेरे कोल इह ऑर्डर की कॉपी आई आ, जिहड़ा ऑर्डर अज होया एक साडे सारिया की कोशिश का नतीजा, एक बहुत ही वड्डा कदम है साडी मुहिम वल कि असी अपने गुरद्वारियां नू सियासत तो आजाद कराउणा ते धार्मिक बंदियां दे हत्थां च गुरद्वारियां दी बागडोर संपणियां। मैं तुहानू सारिआं नू इस गल की मुबारक दिंदा ते केजरीवाल जी ते उहनां दी सरकार ते रजिंद्र गौतम मंत्री दा धन्नवाद करदा इस गल दे उत्ते। इसे तरह असी इकट्ठे रल के कोशिश करदे रहे तां इक दिन असी अपने गुरुद्वारों चो सियासत को कट के बाहर सुटांगे ते साफ सुथरा गुरुद्वारों का प्रबंध करांगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।